बॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों ने तुम्हें बलात्कार के ट्यूटोरियल दिए हैं कि कब हीरो के लिए बलात्कार करना अच्छा है, कल्याणकारी है। जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। तुमने अपनी जिद पूरी करने के लिए एक गरीब की इज्जत का दामन नोच डाला। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो। औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन तू रखी है गली। इस वीडियो का अत्याचार अभी समाप्त नहीं हुआ। ये वीडियो तुम्हें जागरूक करने के लिए, और तुम जागरूक नहीं हुए, तुम अभी नहीं उठे हो, तो उठ जाओ। मत सो प्रीति। Wake up! Wake up! मैं तुम्हें इन बॉलीवुड क्लिप से टॉर्चर करता रहूंगा जब तक ये दुख तुम्हारा अंत ना बन जाए और तुम ना कह दो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। We're all gonna die. अब ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, बॉलीवुड का इस्लामीकरण। अर्थात हम इस पार्ट में बॉलीवुड नामक भड़वे से ये प्रश्न पूछते हैं कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला। हाय। पिछली बॉलीवुड वाली वीडियो में भी मैंने इसकी बात की थी। सच्चाई यह है कि बॉलीवुड ने हमें भर भर के प्रोपेगेंडा दिया है। रिलीजन और कल्चर को इन्होंने हथियार की तरह प्रयोग किया है। बॉलीवुड के चौदह जो कमेंट सेक्शन में भी हिमेश रेशमिया बने फिरते हैं, सबसे पहले मैं उन्हें कुछ गाने सुनाना चाहूंगा। मेरी जो मुझे क्यों सताते हो तुम। दूसरे वाला गाना, ये वो गाने के लिरिक्स है जो कुछ माह से अपने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे लगाए फिरते हैं। क्या तुम्हें इन लिरिक्स का अर्थ भी पता है? इस गाने में लड़की कह रही है कि खुदा ने उसको बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। और ये काफिर कौन है? वो लोग जो मुसलमान नहीं है। काफिर एक इस्लामिक शब्द है जो नॉन मुस्लिम के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग काफिर हैं, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उन्हें खुदा नहीं मिलता। फिर भी वो लड़की इतनी खुश है कि उसे इतना कुछ मिल गया बिना मुसलमान बने। तो मुसलमान बनेगी तो कितना कुछ मिल जाएगा? रिलीजियस प्रोपेगेंडा। बस एक चावल की बोरी मेरे घर पे भी आनी है, फिर मैं विकास धुवन से विंस डिसोजा बन जाऊंगा। ये एक दूसरे पॉपुलर बॉलीवुड गाने के लिरिक्स हैं। दिल बेचारा इन पैरों के नीचे है, दिल का भरोसा क्या है, दिल तो काफिर है। यहाँ पे काफिर यानी कि जो नॉन मुस्लिम है उसको गाली की तरह प्रयोग किया गया है कि उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तो विश्वसनीय भी नहीं है, वो तो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, दिल। अब एक दूसरी फिल्म काबुल एक्सप्रेस का गाना जिसमें जॉन इब्राहिम और अरशद वारसी हैं। इनमें लिरिक्स है, खुदा की महफिल में आ, देख कैसे खुदा बनाए तुझे काफिर से इंसान। तो काफिर जो है वो इंसान नहीं होते। काफिर से इंसान कैसे बने कोई व्यक्ति, इस गाने में बताया गया है कि उसे बस खुदा को अपनाना है, यानी कि मुसलमान बनना है, और वो इंसान बन जाएगा। ये है बॉलीवुड की सेकुलरिज्म वाली पिस्तौल। सेकुलर बन जा, खुदा को अपना ले, लौड़े। ये भूल भुलैया का गाना है, सेम पैटर्न है, गाने का नाम है अल्लाह हाफिज। साइड में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और जो पंडित हिंदू टाइप कैरेक्टर है उसके सर पे थप्पड़ मार के उसका मजाक बनाया जा रहा है, और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है अल्लाह हाफिज। अब इसके अपोजिट भारतीय संस्कृति वाला बम बम बोले वाला गाना भी है, बस उस गाने में एक छोटा सा ट्विस्ट है। बम बम बोले में बम का मतलब है चूतड़। बॉलीवुड में हरी ओम हरी का गाना भी है, लेकिन उसपे सब नशे कर रहे हैं और सेक्स कर रहे हैं। इसके सिवाय हरे कृष्णा हरे राम भी है, ओम मंगलम भगवान विष्णु भी है, लेकिन उसपे लड़कियां नंगी हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं।
अपने आप से इन गानों में मेरे जैसे लोगों को कोई समस्या नहीं है और ना ही कभी होगी, परंतु बात यह है कि एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा चालू रहता है। बॉलीवुड ऐसे इस्लामिक प्रोपेगेंडा से भरा पड़ा है जहाँ पे भारतीय संस्कृति से जुड़े जितने भी रिलीजन होते हैं, कल्चर होते हैं, उनको गाली दी जाती है और वहाँ पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की वाहवाही की जाती है। 2015 में सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान आई, जिसमें इंडिया को नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव और डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ओपन माइंडेड और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। उस मूवी को देखने के बाद आईआईएम अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च टीम तैयार की। उस रिसर्च टीम ने 1950s से लेकर 2010s तक के बॉलीवुड मूवीज का एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स ये हैं। 74% ऑफ दोज फिल्म्स प्रेजेंटेड द सिख कम्युनिटी एज लाफेबल। 58% ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस हैड अ हिंदू ब्राह्मण लास्ट नेम। 62% ऑफ करप्ट बिजनेसमैन हैड अ वैश्य लास्ट नेम। चलो ठीक है, सारे ही कम्युनिटीज को बुरे लाइट में दिखाया, लेकिन नहीं, द हिपोक्रिटिकल थिंग इज दैट 84% ऑफ मुस्लिम्स इन द फिल्म्स वर शोन एज स्ट्रॉन्गली रिलीजियस एंड ऑनेस्ट। और अगर किसी को क्रिमिनल दिखाया भी गया तो ये दिखाया गया कि भाई दिल का सबसे अच्छा है। जैसे मुंबई का रियल लाइफ में सबसे बड़ा गुंडा या आतंकवादी कौन रहा है, दाऊद इब्राहिम, पर बॉलीवुड में मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा दाऊद इब्राहिम टाइप कैरेक्टर नहीं होता, नहीं, वो होता है माता का भगत। अपने बाप के औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहाँ जाते हैं। दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ रियल लाइफ में चाय पी जा रही है। ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम से मिले जी मार्च 1988 में। अब उनके घर पे गए, हमारी बड़ी खातिर नवाजी की, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए। गुंडे कौन, माता के भगत। लालची और दुराचारी कौन, माता के भगत। परिवार की हत्या करने वाला कौन, काली माँ का भगत। मर्डर की प्लानिंग कैसे होती है, शिव शंभू के आशीर्वाद से। इन्हीं के अपोजिट इन्हीं फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नेक हैं, अच्छे हैं, नमाज सुनते ही उनमें सुपर पावर आ जाती है। अल्लाह का नाम लेते ही लंगड़े भी दौड़ने लगते हैं। इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय भी कुछ ऐसे अल्लाह के बंदों ने डेयरिंग दिखाई थी, पर हम दोनों को पता है कि उनका परिणाम क्या हुआ। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते भाई। इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है, रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता मेरे भाई? प्लीज अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना। मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा टिकटॉक पे, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसा ही एक और गाना है हरे कृष्णा वाला, जिसमें लड़कियां एक जनेऊ वाले पंडित टाइप कैरेक्टर को मोलेस्ट करती हैं, फिर उसके ऊपर बैठती हैं और फिर क्या बोलती हैं, जरा सुनो। मर्द से ऊंची होती है, ये दिखाने के लिए ये इस पंडित टाइप कैरेक्टर को मोलेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही और भी कई सारे सीन्स हैं जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के ट्विटर पेज ने शेयर किए हैं, जैसे कि कोर्ट केस में हिंदू गीता पे हाथ रखने से मना कर देता है क्योंकि वो अपना रिलीजन बताता है इंडियन सेकुलर। हालांकि मुझे पता नहीं था कि गीता कैसे उसे भारतीय और सेकुलर बनने से रोकती है, पर बॉलीवुड ने बता दिया तो ठीक ही होगा। इन फिल्मों में हिंदुओं को अपोलोजेटिक दिखाया जाता है, जैसे कि उन्हें अपनी संस्कृति पे शर्म आती हो। इन्हीं फिल्मों में वो व्यक्ति जो संस्कृति या संस्कृति से जुड़ा हुआ हो वो बुरा है और जो उर्दू बोलता है वो अच्छा है। आदाब जगदीश जी, नमस्कार। चाय नोश फरमाएंगे? अवश्य, चाय पान तो करेंगे ही। अरे उस सुबह एक कप चाय तबीयत और मिजाज दोनों को बहाल और तंदुरुस्त रखती है। हाँ, प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नित्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्त की मश के लिए बहुत उम्दा चीज है।
ये रक्स मक्स क्या होता है? रक्स माने नाच, मश्क माने रियाज। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। यहाँ पे हम हीरो अक्षय कुमार को लेके इस प्रोपेगेंडा को समझने का प्रयास करते हैं। एक फिल्म में अक्षय कुमार ये सोशल मैसेज देता पाया जाता है ऑडियंस को कि उसका रिलीजन इंडियन है। ये सुन के हमें अच्छा लगा। इस तरह इसको दिखाया जाता है कि जैसे हिंदू होना कोई गर्व की बात नहीं है, कोई बहुत बुरी बात है। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। फिर दूसरी ही फिल्म में अक्षय कुमार का इस्लामिक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी इस फिल्म में अक्षय कुमार एक सोशल मैसेज देना चाहता है ऑडियंस को, वो क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमेशा तुम्हें किसी डिस्को या किसी शराब खाने में देखा है। वो मैं अपना मजा बदल रहा हूँ। मतलब जाते हुए सिपाही का सलाम लेता जा। लेकिन इमरान, अलविदा कहने से दगा देने का एहसास तो नहीं मिटता ना। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक दूसरे मुसलमान को दगाबाज बोल देता है। किस लिए? केवल इसलिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं रहना चाहता, वो दूसरा व्यक्ति इस्लाम छोड़ना चाहता है, तो वो दगाबाज है। अलविदा कहने से दगा देने का एहसास तो नहीं मिटता ना। हिपोक्रेसी। क्या वो इस्लाम के बिना अब वो उसका रिलीजन इंडियन नहीं है क्या? अब मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट्स में आगे कहेंगे कि ये दोनों अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग फिल्मों में हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन इन दोनों फिल्मों में एक सोशल मैसेज दिया गया है ऑडियंस को। मैं बस तुम्हें एक पैटर्न दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस्लामिक प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों में एक व्यक्ति को दगाबाज भी बोल दिया जाता है क्योंकि वो एक रिलीजन को चूज करना नहीं चाहता। ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। पर वो वहाँ भी अपोलोजेटिक है, जैसे उसे शर्म आती हो अपनी संस्कृति स्वीकार करने में। ऐसे इस्लामिक प्रोपेगेंडा वाली और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बेवफा से वफा, जिसमें पूरा टाइम लेके बताया गया है कि मुस्लिम कितने अच्छे हैं क्योंकि वो चार शादियां करते हैं। एक व्यक्ति से चार महिलाएं शादी करे तो उन महिलाओं का कितना फायदा होता है। दादा हुजूर, हमारे मजहब में चार शादियों की इजाजत क्यों है? सही मायनों में चार शादियों की इजाजत इस्लाम ने औरत की हिफाजत और उसे दुनिया में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए दी है। और भी कई फिल्मों में ये सेम प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे इन बॉलीवुड फिल्मों में मुगलों की चाटुकारिता भी दिखाई जाती है, यहाँ पे झूठ भी बोला जाता है। ऐसी ये एक क्लिप है, जरा देखो। मुगलों का तो जवाब नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, प्लीज जाके कोई अमिताभ बच्चन को समझाओ कि मुगलों ने कश्मीर को डिस्कवर नहीं किया। कश्मीर का नाम आता है महर्षि कश्यप के नाम से, और कश्मीर पूरा वैदिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। जो डेमोग्राफिक चेंज है वो बाद में हुआ है। That's it for this video. तो वीडियो के अंत में मेरी केवल एक प्रार्थना है, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। इसके अलावा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इसे भी फॉलो करो, मैं हर समय ऑनलाइन रहता हूँ। धन्यवाद। ये देश किस दिशा में बढ़ रहा है, किसका दोष है? भारत को गाली दे दो तो सबका ही रोज है। धर्म को कुछ भी बोला तो तू हराम खोर है। विदेश जाकर बोले साला पूरा भारत चोर है। तू कौन है ये बोलने वाला, देश को हथोलने वाला? ध्यान से सुन, तेरी सारी पोल खोलने वाला, तेरे जैसे सोच वाले अंग्रेजों के चोच।